हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने जैसे कि हरित गृह प्रभाव के रोकथाम यानी रेमेडीज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कर लिया है, जिसमें बताया है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना है ताकि वायु प्रदूषण कम हो, यानी CO2 की मात्रा वायु में कम रहे। रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है जिससे कि N2O का उत्पादन कम हो। CFC उत्पन्न करने वाले जैसे उपकरण हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर से एयर कंडीशन है, उनका उपयोग कम से कम करें, ठीक है। और उसके साथ साथ जंगल को ना काटना, उसको ना जलाना। जलाने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा और वो एक लेयर बनाते जाएगा जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होगा, ठीक है। पेड़ पौधों को बढ़ाएं ताकि CO2 का संतुलन बना रहे, और स्वचालित वाहनों का यथासंभव जितना हो सके उसका कम से कम उपयोग करने का कोशिश करें। अब हम लोग आते हैं 1.2 में, ऊर्जा का समुचित उपयोग यानी रेशनल यूज ऑफ एनर्जी क्या है। उसमें है सस्टेनेबल एनर्जी, हार्नेसिंग एनर्जी रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद का जितना टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं क्या कि रेशनल यूज ऑफ एनर्जी क्या है। तो आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का क्या होता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में इसका इसका रूप बदलते जाता है, यानी ऊर्जा ना ही तो नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता तो है, ठीक है। आइंस्टीन के थ्योरी के अकॉर्डिंग ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। फिर भी ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा की खपत कैसे हो रही है, मीन्स क्या होता है क्या कि जब ऊर्जा हम लोग जब उत्पन्न करते, मान लीजिए कि आप विद्युत पंखा चला रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फैन चला रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ फैन का ही हवा ले रहे हैं, लेकिन फैन के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसमें एक इलेक्ट्रिक एनर्जी भी उत्पन्न हो रही है, और उसके साथ साथ ये एक प्रकार का ऊर्जा का जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस ऊर्जा का क्षय हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए, जैसे सूर्य की जो निकलने वाली जो किरणें आती हैं हमारे पृथ्वी पर, वो प्रकाश के साथ साथ क्या देती हैं, हमें उसे हीट भी मिलता है, और 70% कई चक्रों से होता हुआ वो चला जाता है, केवल 30% ही ऊर्जा का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करते हुए इस हार्नेसिंग एनर्जी को किस तरह से हम लोग बरकरार रखें, उसका इससे ज्यादा कैसे यूज में लाएं, उसी को लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात ऐसी आई। तो धारणीय विकास या सतत विकास की ऐसा विश्वास है क्या, ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना, मतलब किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना है, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं करना है और वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरी करना है, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत है फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, जिससे कि मनुष्य की सारी जरूरतें, उनकी उन्नति सतत उनकी उन्नति की सारी जरूरतों को पूरा किया जा सके, वाइल ऑल्सो सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम की उपयोगिता को बढ़ाते हुए, टू प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेस, और उनको नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा उनको उसको बढ़ाया जा सके, इकोसिस्टम को और इकोनॉमी और सोसाइटी पर, जिस पर कि वो पूरी तरह से उनको इस तरह की सुविधा प्रदान की जा सके। तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया, यानी कि सतत विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों की पूर्ति करे, इसी को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या कि सोलर एनर्जी हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। सबसे पहले क्या कि सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके, जिससे कि हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं उससे वो ना हो। और दूसरा है क्या, क्रॉप रोटेशन। इसका दो एग्जाम्पल दिया गया है जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। क्रॉप रोटेशन के माध्यम से प्लांटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड में बहुत तरह के क्रॉप को प्लांट किया जाए ऑन द रोटेशनल बेसिस के अकॉर्डिंग पर, फॉर इम्प्रूविंग द सॉयल फर्टिलिटी, और सॉयल को बिना नुकसान किए हुए उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखते हुए रोटेशनल बेसिस के आधार पर क्रॉप फसलों को बढ़ाया जाए। तो इन दो के माध्यम से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, इसका क्या महत्व है, इसका महत्व क्या है, ये देखिए कि ए कमिटमेंट टू द सोशल प्रोग्रेस के प्रति कमिटमेंट, एनवायरमेंटल बैलेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
और एनवायरमेंटल बैलेंस को बरकरार रखते हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। सतत विकास में ऐसी उत्पादन तकनीकी को अपनाया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ठीक है, फलतः पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं उत्पन्न हो, और सतत विकास में आर्थिक विकास भी हो, शिक्षा का भी विकास हो, रोजगार भी बढ़े, सामाजिक न्याय भी मिले जिससे कि जीवन में गुणवत्ता आए और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सतत विकास समझ में आ रहा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन के डेवलपमेंट, उनके गोल्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, वाइल ऑल्सो सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम के अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेस को प्रोवाइड किया कराया जा सके, एंड इकोसिस्टम सर्विसेस ऑन विच द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिपेंड। ठीक है, धारणीय विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की जरूरतों की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों की पूर्ति करे। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं और अब इसका इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है, कि निरंतर वृद्धि और विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है, ये हम लोग सभी जानते हैं। इन जीवाश्म ईंधन की आयात से जो जो हमें मुद्रा मिलता है उसका विनियम होता है और उससे हमारी बचत होगी, साथ साथ हमारा प्रदूषण भी स्वच्छ और स्वस्थ बना रहेगा, और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत की वृद्धि और विकास करना होगा जिससे कि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहे। तो गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या आ सकता है, हमारा आ सकता है सौर ऊर्जा सबसे बड़ा, उसके बाद आ सकता है पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, उन सबका वृद्धि और विकास करना होगा। तो निरंतर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो सकता है कि जीवाश्म ईंधन का कम से कम हम लोग यूज करें और जो उससे जो हमारा जो मुद्रा आए जो उस विनियम के बाद वो हमारे देश के विकास के लिए यूज में लाया जाए और पर्यावरण का भी स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे, और हमें गैर परंपरागत ऊर्जा का हम लोग अपनाएं। उसमें क्या आ सकता है, सौर ऊर्जा आ सकता है, पवन ऊर्जा आ सकता है, ज्वारीय, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, इनका पूरी तरह से वृद्धि और विकास करना होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या बोल सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी में होता है क्या, एक होता है कॉन्वेंशनल सोर्सेस और एक होता है नॉन कॉन्वेंशनल। ठीक है, तो कॉन्वेंशनल सोर्सेस में आ सकता है आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ऐसे चीजें जो हमारे यूज के बाद वो फिर से हमें नहीं मिले, यानी कि वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, उपयोग लाने के बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह से आता है गैर परंपरागत में आ सकते हैं सौर ऊर्जा, आ सकता है आपका ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब ही आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले क्या कि इन सब चीजों में हमें इसके बारे में अभी पढ़ेंगे वीडियोस में, जो कि गैर परंपरागत और परंपरागत जो सोर्सेस हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज फ्यूल, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल होता है क्या, फ्यूल्स आर द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में वैसा पदार्थ जो जलने के बाद ऐसा पदार्थ जो जो जलने के बाद जो हमें हीट और लाइट एनर्जी दोनों देता है उसी को हम लोग फ्यूल कहा जाता है, यानी ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ वो ईंधन इधर वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मीय मान क्या होता है, इनका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग के बाद एक यूनिट मास ऑफ फ्यूल के कंप्लीट कंप्लीट बर्निंग के बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है उसी को ही हम उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है, यानी ऊष्मीय मान कहा जाता है। ठीक है, दैट इज द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल द बेटर इज द फ्यूल एज इट इज प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन बर्निंग इन द एयर, यानी जितना जिसका कैलोरीफिक वैल्यू होगा किसी ईंधन का वो बेटर फ्यूल माना जाएगा जब वो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता हो, बर्निंग इन द एयर।
ठीक है। तो आइडियल फ्यूल किसको कहा जा सकता है जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो और इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजे, यानी कि जूल पर ग्राम। ठीक है, ये भी आता है कभी कभी एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर ग्राम होता है, सॉरी किलो जूल पर ग्राम। ठीक है, किलो जूल पर ग्राम इसका यूनिट होता है। और हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, उसमें ये मान होता है, इसलिए इसको इट इज कॉन्सिडर्ड द बेस्ट फ्यूल, इसीलिए इसको बेस्ट फ्यूल के तौर पर कॉन्सिडर किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग को ये समझ में आया। एलपीजी और मिथेन भी होते हैं लेकिन हाइड्रोजन इज द बेस्ट। ठीक है, और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे परंपरागत सोर्सेज और गैर परंपरागत सोर्सेज के वीडियो में। तब तक आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फ्यूल्स और कैलोरीफिक वैल्यू को अच्छे से देखिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।